ये उसकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, अगर वो प्रेग्नेंट होती तो घर से बाहर ही। अब तक जिग्ना वोरा भले ही घर से एविक्ट हो गई हो, लेकिन घर से एविक्शन के बाद उनके काफी सारे एक्सप्लोसिव इंटरव्यू सामने आ रहे हैं। जिग्ना वोरा ने हाल ही में अंकिता लोखंडे के बारे में रिएक्शन देते हुए काफी शॉकिंग बातें कह डाली हैं। दरअसल जिग्ना वोरा का कहना है कि अंकिता लोखंडे ने अपनी प्रेगनेंसी की झूठी खबर फैलाई ताकि उनको सिंपैथी मिल सके, ताकि उनको कुछ ही देर के लिए सही लेकिन लाइमलाइट मिल सके। वेल, जब जिग्ना वोरा से उनके रीसेंट इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि अंकिता लोखंडे क्या सच में प्रेग्नेंट है, तो उनका कहना था कि वो सुबह से इस बारे में काफी सारे रिप्लाईज दे चुकी हैं और आखिर में वो यही कहना चाहेंगी कि अंकिता का बाकी सभी कंटेस्टेंट्स की तरह हर तरह का टेस्ट हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट्स कलेक्ट की गई थी जिसमें अंकिता प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन घर में जाने के बाद उसने ऐसा क्यों कहना शुरू कर दिया, वो ये बात सुनकर खुद भी हैरान थी। लेकिन जहां तक उन्हें लगता है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी का खेल था लाइमलाइट में आने के लिए अंकिता ने इस तरह की बातें कह डाली। आपको बता दें, जैसे ही अंकिता लोखंडे का ये कॉन्वर्सेशन सामने आया था, हर कोई काफी हैरान रह गया था। घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर, हर कोई अंकिता लोखंडे की प्रेगनेंसी पर सवाल कर रहा था कि बिग बॉस के घर में अंकिता प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं। और अब जिग्ना ने वही बात साफ कर दी है कि ये सभी बातें सिंपैथी के लिए थी। वेल, जिग्ना वोरा का कहना तो ये है अंकिता की प्रेगनेंसी के बारे में, लेकिन आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे प्रेग्नेंट नहीं है, उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। हालांकि उनको एक बार फिर से बिग बॉस के घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया था, लेकिन उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, कि आपको भी लगता है कि अंकिता ने लाइमलाइट के लिए ये झूठ बोला। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड और बिग बॉस से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।